अरे वो स्कूल है ना डिसेबल बच्चों का, जहाँ मैं डोनेशन देता हूँ। नहीं, इस बारे में आपने मुझे तो कभी नहीं बताया। चलो अब बता दिया ना, वही इनवाइट किया गया हूँ मैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर आप क्यों इन अंधों पर अपना वक्त और पैसा जाया कर रहे हैं। इनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सलीना, ये सब कुछ मैं दुनियावी फायदे के लिए नहीं करता, इससे खुशी मिलती है मुझे, सुकून। और अब तो मैं उनके साथ कमिटमेंट कर चुका हूं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन खैराती इदारों में अपने पैसे बांटकर आपकी बचपन में खोई हुई बेटी वापस आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं समझता हूँ सलीना कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि हम लोगों की मदद करें, तो क्यों ना करें, क्या हर्ज है इसमें। ठीक है, तो फिर अंधे ही क्यों? सारे शहर के अंधों के स्कूल और एनजीओस का ठेका सिर्फ आपने लिया हुआ है। तो ठीक है सलीना, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं फोन करके मना कर देता हूँ, नहीं जाते। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप जाएं, जरूर जाएं, लेकिन इस बार मैं आपके साथ जाऊंगी। तुम? जी। चलो अच्छी बात है, वहां जाके तुम्हें यह एहसास तो होगा अल्लाह ताला ने हमें आंखों जैसी नेमत से नवाजा। इज्जत, मेरी औरंगजेब साहब से अभी बात हुई है, वो बस आने वाले हैं, कुछ लेट हो गए। आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो चीफ गेस्ट है ना, और मैंने सुना है कि अक्सर चीफ गेस्ट लेट हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, औरंगजेब साहब टाइम के बहुत पक्के हैं, उन्होंने जब भी मैंने इनवाइट किया वो हमेशा टाइम पे ही आए, आज पता नहीं क्यों लेट हो गए। आप टेंशन नहीं लें, सारा इवेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। हमें यहाँ काम में लगा के, और देखो खुद मैडम कैसी बनी ठनी खड़ी है मैडम आलिया के साथ। मैडम आलिया की फेवरेट जो हो गई है, अब हमें कौन पूछेगा। अरे इसी बात का तो गम है, हम पिछले 2 सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और ये मोहतरमा जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, सारी की सारी अहमियत इनकी हो गई। बस यार, दिल जलाने का क्या फायदा। फायदा तो सारा उसी का है ना। बच्चों को सही तरह तैयार करवा था, उसकी तैयारी हो गई थी। चलो गुड, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं आती हूँ, ठीक है। आखिर उन स्नैचर्स को पता कैसे लगा कि मेरे पास बैग है? कहीं वो माहिन का दोस्त तो नहीं था? क्या नाम था उसका? उपैद। जो बैग छीनने आया था उसकी बॉडी तकरीबन उसी लड़के जैसी थी, कहीं ये उसी की हरकत तो नहीं? वरना किसी को कैसे पता चल सकता है कि मेरे पास बैग था? जब तक कोई इतला ना दे तो क्या माहिन ने? ओ गॉड, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन तमाम कड़ियां वहीं जाके मिल रही हैं, वो लोग मेरे घर से पीछा करते हुए आए, इसका मतलब घर भी जानते थे। अब मैं ये बात किससे शेयर करूं, समझ ही नहीं आ रहा। हेलो। हेलो खुर्रम। हाँ, मैं तुम्हें फ़ोन इसलिए कर रहा था कि एक उबैद नाम का लड़का है, मुझे उस पर शक है।
तुम अपनी सोर्सेज इस्तेमाल करके उसका जरा पता तो करवाओ, डिटेल्स निकलवाओ उसकी। अंकल को बताया तुमने? नहीं, मैंने उन्हें अभी नहीं बताया। दरअसल इस मसले को मैं अपने तौर पे हल करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताओ ये उबैद है कौन? है एक बदमाश लड़का, एक दो दिन पहले उसे तख्लामी भी हो गई थी। शक की भी कोई वजह होती है जलाल? इस शक की वजह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वजह भी मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा, फिलहाल मैं कुछ और मुसीबत में फंसा हुआ यार। मसलों के साथ तो तुम्हारा चोली दामन का साथ रहा है हमेशा। यार अजीब तरीके से उलझा हुआ, इज्जत को शहर लेकर आया था ताकि वो यहाँ महफूज रहे, अम्मी से मिलवाना था। अम्मी से बात भी कर ली थी मैंने, लेकिन इज्जत फिर से ना जाने कहाँ चली गई है, उसकी टेंशन अलग है। वेरी सैड। पता नहीं यार, वो अब तक मुझसे नाराज है, कहाँ ढूंढू उसे, कुछ बता के भी नहीं गई है। तुम एक काम करो, जाके थाने में रिपोर्ट लिखवा दो, मैं कॉल करके बात कर लेता हूँ। नहीं, रिपोर्ट नहीं करा सकता, मैं नहीं चाहता कि ये बात अभी रिवील हो। यार तुम्हारी बातें ना मेरी कुछ समझ में नहीं आती। शादी की है तुमने लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते, आखिर इतना डरते क्यों हो? कभी ना कभी तो मिलवाना ना तुमने से घर वालों से, या हमेशा छुपा के रखोगे इज्जत को सबसे? खुर्रम, मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी यार, इतना ज्यादा परेशान हूं मैं, समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। और तुम तो जानते हो कराची इतना बड़ा शहर है, कहां ढूंढूं उसको, कहां गई होगी वो? तुम्हें यकीन है कि वो कराची खुद अपनी मर्जी से गई है? कहीं किसी ने उसके साथ या किसी की बात से तो नहीं? नहीं यार, मुझे अंदाजा है वो खुद गई होगी, उसने घर की चाबी भी एजेंट को वापस करवा दी है। ओके ठीक है, तो मुझे मजीद अपडेट देते रहना इस बारे में, ठीक है? ठीक है। ओके। वैसे आपको बच्चों के लिए ये एक स्पेशल टीचर रखने की क्या जरूरत थी? ये बच्चों को क्या पढ़ाती हूँ? मैं माजरा चाहती हूँ, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का ताल्लुक किसी भी जिस्मानी माजूरी से नहीं होता है, ये तो इल्म की रोशनी है। चलें जल्दी जल्दी आए, और आप लोग जब औरंगजेब सब आएंगे आप लोगों ने उस पर फूल निछावर करने, ठीक है? और इज्जत, इज्जत, अरे सर आप आगे आइए आइए आइए। इज्जत मेरे ख्याल में उनकी वाइफ आई है, प्लीज उनके गले में हार डालो। शमशाबाश, प्लीज उनके गले में हार डालो। देख नहीं सकती, मेरे पांव पर चढ़ गई तो। आई एम सो सॉरी। माजरत चाहते हैं, जरा लेट हो गए हम। सॉरी, ये नाबीना है, ये देख नहीं सकती, इसकी तरफ से मैं माजरत करती हूँ। ये नई टीचर है? जी कुछ ही दिन हुए, बहुत मेहनती हैं, बच्चों को तो बहुत प्यार से पढ़ाती हैं। आप पढ़ाती हो? वैसे आपको बच्चों के लिए ये एक स्पेशल टीचर रखने की क्या जरूरत थी? ये बच्चों को क्या पढ़ाती हो? मैं माजरा चाहती हूँ, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का ताल्लुक किसी भी जिस्मानी माजूरी से नहीं होता है, ये तो इल्म की रोशनी है जो पहले इंसान के दिल को और फिर इस पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। माशाल्लाह, क्या बात है इनकी, तो बहुत काबिल लगती है। सर ऐसे ही तो मैंने आपकी इससे तारीफ नहीं की। बहुत गर्मी है यहाँ पर, चलिए जी मैं, प्लीज आइए प्लीज आइए। ओह गॉड, क्या हाल है? बहुत बुरे यार। क्यों, सब खैरियत तो है ना? तुमने पेमेंट तो टाइम पे कर दी थी ना? हाँ हाँ, वो तो मैंने टाइम पे कर दी थी, तुम्हारी वजह से तो मैं जिंदा हूँ, वरना शायद मैं तो मर चुका होता। ऐसी बातें मत किया करो बैद, मेरा दिल घबराने लग जाता है। यार माहीन, मुझे तुमसे फौरन मिलना है, क्या तुम अभी आ सकती हो? प्लीज बहुत अर्जेंट है। क्यों, सब खैरियत तो है ना इस वक्त? नहीं माहीन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अबे तुम मुझे डरा क्यों रहे हो, प्लीज बताओ ना क्या बात है।
तुम मिलोगी तभी बताऊंगा। अच्छा चलो तुम घर पे आ जाओ अभी। अच्छा देख लो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे घर कोई आ गया तो तुम्हारे लिए मसला ना बन जाए। अरे आ जाओ ना, मैं बोल दूंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी का दोस्त है। ओ हेलो, तुम्हारी मोहम्मद जलाल मुझे अच्छी तरह जानते हैं, यूनिवर्सिटी का दोस्त। मुझे उनका डर नहीं है, और वैसे भी मामा बाबा किसी तकरीब में गए हुए हैं, जलाल ऑफिस में है और ताई अम्मी बाजार गई हुई होंगी। आ जाओ तुम। तो बस फिर मैं फौरन आया। इंतजार कर रहे हैं, चलो। कोई आ ना जाए। तुम इतना क्यों डरते हो? अपनी जान सबको प्यारी होती है भाई। मुझे तुम्हारी जान तुमसे ज्यादा अजीज है, चलो। मिस इज्जत जी, कौन? अरे मैं औरंगजेब। वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी लगन देख के, आपकी मोहब्बत देख के बच्चों के साथ। और हाँ, वो एक बात और, सरीना की बात का बुरा मत मनाइएगा, वो कभी कभार तल्ख हो जाते हैं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बचपन से इस तरह की बातें सुनने की आदत हो चुकी है। औरंगजेब चले, बहुत देर हो गई है। और आप लोग क्या यहाँ हजूम लगा खड़े हैं? मुझे तो घबराहट हो रही है। सर ऑफिस में चलो बात करते हैं। हाँ सलीना, थोड़ी देर कुछ फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस करने हैं। जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। डोंट माइंड, ओके? आप मुझे बताओ कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी है। माहिन प्लीज, मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? सी बातें कह रहे हो स्टूपिड, बैठो। पूछने वाली बात 10,000 मरतबा बता चुकी हूँ। नहीं माहिन, फिर भी मैं तुम्हारे मुँह से एक बार और सुनना चाहता हूँ, प्लीज बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो ना? अपनी जान से ज्यादा प्यार है। मुझ पर भरोसा भी करती हो ना? अगर मैं इस दुनिया में किसी पर अंधा भरोसा करती हूँ तो वो तुम हो। ठीक है, तो फिर हम लोग शादी कर रहे हैं। मगर कब? 2 दिन बाद। बैद, कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया? अचानक नहीं माहिन, मुझे बहुत पहले से डर है तुम्हारे घर वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। और जब से तुम्हारा कजन आया ना, जब से मेरे दिल में अजीब से वसवसे उठने लगे हैं। कम ऑन उबैद, मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। माहिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? माहिन मैं तुम्हें बेपनाह चाहता हूँ, तुम ये बात जानती हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। माहिन प्लीज, अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं अपनी जान ले लूंगा। अगर मुझे थोड़ा सा वक्त वक्त का तुम क्या करोगी माहिन? आई नो तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे, और फिर जब तुम उनसे मेरे मुतालिक बात करोगी तो तुम पे सख्तियां मजीद बढ़ा देंगे, जिंदगी अजाब बना देंगे तुम्हारी, और तुम पर इतना प्रेशर डालेंगे कि तुम किसी दूसरे से शादी के लिए रजामंद हो जाओगी। इसलिए तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं, अगर तुम उस पर भरोसा करते हो।
इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है माहिम, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है माहिम, अब सिर्फ दो दिन है हमारे पास, ठीक है मैं चलता हूँ। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे अगर तुम उस पर भरोसा करते हो, इसलिए तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। दावर भाई काम बन गया, सिर्फ दो दिन बाद आपका छोटा भाई सेठ औरंगजेब की इकलौती बेटी से निकाह करने जा रहा है, यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। दो दिन बाद दावर सेठ औरंगजेब की बेटी की शादी में बतौर गवाह पेश हो रहा है? बिल्कुल। अबे क्या खेल खेला है मेरे पप्पू, तूने क्या खेल खेला है? दावर भाई सिर्फ गवाह ही नहीं, मेरे बड़े भाई बन के जाओगे, मेरी होने वाली बीवी के सामने भी और सेठ औरंगजेब के सामने भी, यानी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बस थोड़ा जेंटलमैन बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, बन कर लेना कोशिश। अबे तुझे मैं जेंटलमैन नहीं लगता? अबे जेंटलमैन हूं मैं। ओए गफूर, इसके लिए चाय लेकर आ, मिठाई लेकर आ, बिस्कुट ला, पकौड़े ला, बे सब कुछ ले आज, मेरा पप्पू ने बहुत बड़ा काम किया। गले लग जा, अबे लग गले।